जिंदगी जो चल रही है त्योहार एक ख्वाब सा, किस्मत से नसीब होता ये रोशनी जवाब सा, गूंजती दुआओं में भी है बेबसी जो घुल रही, इंसान को सुकून देता एक हाथ बढ़ता प्यार सा। मैं एडवोकेट कुशाग्र आजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए व्लॉग में, जहां होगा ना कोई शोर ना कोई हल्ला, होगा यहां थोड़ी थोड़ी हंसी ठिठोली और बांटेंगे छोटी छोटी खुशियां और दिखेगी प्यार वाली बोली। तो शुरू करते हैं हमारे इस नए व्लॉग को, जहां होगा आपका साथ और हमारा प्यार। हर हर महादेव गाइस, हमने डिसाइड करा है कि हम जिस स्कूल गए थे बच्चों को खाना खिलाने उसी स्कूल जाएंगे, बच्चों के लिए गिफ्ट्स बनाएंगे। गिफ्ट के लिए बहुत सारे आइटम लाए हैं, बर्बन बिस्किट है, चॉकलेट है, केक है, लेस कुरकुरे और फ्रूटी एप्पी फिज। टोकरियां कहां वाली, ये सब टोकरियां इनमें खुद ही गिफ्ट बना के लगा के बच्चों को देंगे, बच्चों के साथ खुशियां शेयर करेंगे। बोलो हर हर महादेव। चलो जी लग गए हैं काम पे अमृत भाई, हमारे शेर भाई। हाँ जी, हर हर महादेव भाई। इसको गिफ्ट रैप करने की प्रिपरेशन हमने शुरू कर दिया है। ये भाटिया से आया ना सर, ये हाँ वही विश्वास नगर से आया डैडी। हर हर महादेव भाई, डैडी सुबह सुबह उठ के हमारे साथ आ गए हैं देखने की हम काम कैसा कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे, टोकरियाँ पैक सही से हो रही हैं नहीं हो रही। हर हर महादेव। अभी हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को लगा रहे हैं ताकि पैकिंग में हम बस जल्दी जल्दी सीक्वेंस से रखते चले जाएं, टाइम कम लगे, क्योंकि स्कूल के लंच से पहले पहले हमें वहाँ पे जाना है बच्चों के पास। हर हर महादेव गाइस, ये हमारी प्यारी बहन इवू। इवू हेलो करो कैमरा में, हेलो करो, हेलो करो। आज के इस दिवाली कार्यक्रम में हमारे चेयर ने भी मस्ती का सारा भार संभाला और ठाक होके रॉकेट बीच बीच में छोड़ते रहे, क्योंकि ये खट्टी टॉफी खा के आए हैं। ओपी भाई बाबा क्या कर रहे हो अभी? चलो जी, अब हमने सब चीजें ढंग से लगा दी हैं, टोकरियां यहाँ पे रख दी गई हैं, जितनी आई उतनी रख दी, बाकी फिर नेक्स्ट लॉट में बनाएंगे और सारा सामान जो इसमें सजाया जाएगा वो भी रख दिया गया है। हमारे कॉफी का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, सम्मान करते हुए कॉफी का। बीजेपी गैंग के बंदे हैं ये। एक और वाला डायलॉग यार, चीता वाला। I love you, क्या है? हाय। भाई क्या कर रहा है? रुको भाई। ये हमारे यहाँ बक्सी मस्ती करते रहते हैं। ये हमारे रुको भाई। छोटे छोटे बालकों के लिए छोटे छोटे उपहार, छोटी छोटी खुशियाँ। ये ओके गिनी बोर्ड। अब एक बार शेर मार दो रुको भाई। मैं भी शेर। हाँ शेर। इसमें रखा है लेस ताकि बंदे हो जाए तेज। ये तुरतुरे 10 रुपए दे तुरतुरे। आलू भुजिया आओगे तो बजाओ आलू भुजिया। हाय। हमारे साथ हमारे रुपेश भैया लगे हुए हैं बुरी तरह से, कल ये बेचारे शूट पे थे, कल ये थके हारे रात को बहुत लेट आए हैं। रात को आए हो रूप भाई? सुबह आए हो आप? रूप भाई सुबह आए हैं, आते ही हमने इन्हें बुला लिया, इन्होंने मन में हमें 2-3 गाली बकी और इन्होंने बोला चलो यार चल लेता हूँ, फिर ये हमारे पास आ गए। अमृत भाई आज कैमरा वैमरा छोड़ के, अमृत भाई को लगा कि आज हम थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं, गिफ्ट वैप बहुत सारे करने हैं, तो अमृत भाई ने बोला कि आज मैं करूँगा। ऊपर तो देखो टोपी से तुम्हारा मुँह नहीं दिखता किसी को यार,
हिमेश रेशमिया हो गया तुम हैं? नहीं हिमेश रेशमिया। आओ गाना गाके सुना दो, एक गाना तो सुना दो यार। नहीं उधर अलग चल रहा है काम, इधर हमारे शेर भाई बिल्कुल लगे पड़े हैं। जू 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 ये हमारे शेर भाई का गाना जू 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 चीते कहने। बाबा सुनो, कोई गिफ्ट भी अगर कोई कम रह गया तो लवी पिटेगा। ये भगवान क्या जुलूम है। हाँ किसी में भी गिफ्ट कम रहेगा तू पिटेगा, ध्यान रखियो। ठीक है बाबा इसे ले लेना। देखो इनका तो फोन लेना बहुत जरूरी है भैया। मेरी घरवाली का फोन उठाना बहुत जरूरी है वरना बहुत मारेगी। किधर गया, किधर गया? हे चिपका लेके औलाद बाहर निकल। हेलो बेटा भी रोटी नहीं खाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। फिर इस हंसी ठिठोली के माहौल के बीच हमारे सभी साथियों के प्यासों के साथ हमारे खूबसूरत नन्हे नन्हे प्यार से भरे उपहार तैयार हो गए। चलो जी फाइनली हमने अब पेटी निकाल लो, पेटी निकाल लो, पेटी निकाल लो, पेटी का गिफ्ट पैक कर लिए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिर हमने इन प्यारे प्यारे उपहारों को पेटियों में पैक किया और चल पड़े खुशियों का आदान प्रदान करने। लेकिन जाने से पहले थोड़ी सी मस्ती मस्ती मस्ती। गिफ्ट रैप हो रहे हैं, हमारा नन्ना हमारे बाबा शेर भाई जो है अपना वो कर रहे हैं पेटी पैक। आंचल के चूरे में माँ मुझको झुलाती थी, ये हमारे शेर भाई का बिल्कुल फेवरेट गाना है। चीता ही कह दे भाई को। अब तुमने जो गाना सुनाया ना बहुत टची गाना है यार, बहुत टची, दिल खुश हो गया सुबह सुबह। लवी बाबू तुम क्या कहना चाहते हो बताओ। इसने तुम्हारे इस लोंडे को मारा बाबा, इधर आओ। तुमने इसे कुछ कहा? इसने मारा इसको, सर में ईंट मारी है इसके। वीडियो भी बनवा ली। हम निकल जाएंगे फिर। पेटी देख ले बदतमीजी कर रहा है यार। अब जैसे नितिन भाई ने कल बाहुबली मूवी देख ली थी तो नितिन भाई बाहुबली की तरह सारे गिफ्ट पेटी में पैक करके लेके जा रहे हैं। संतति प्रमोदमान मान, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था। अब नितिन भाई से जबरदस्ती छीना है। लवी हमारा कामचोर, हमारे लवी कामचोर ने उठाया है। कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं, लेकिन ये जो खुशियां होती हैं ना ये हर इंसान के जीवन में अलग अलग अहमियत लेकर आती है। जिस रोजमर्रा की जिंदगी को तुम अफसोस की चादर उड़ा रहे हो, कोई रोजमर्रा है तुम जैसी अफसोस की जिंदगी जीने के लिए। फाइनली हम डेस्टिनेशन पे आ गए हैं जिसके लिए हम सुबह से मेहनत कर रहे थे। मैंने अब तो आई गई शायद है ना, यूटर्न लेके ना। नहीं ये राइट नहीं है, आगे आगे बैठे रहे, आगे आप बैठे रहे। ये रहे यार, ये रहे यार, उन्होंने बंदे खड़े हैं। ये सारी भाई आ गए, टोला सेट हो चुका है। चलो जी वाली।
हेलो कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं कौन हूँ भैया? कल वीडियो कॉल पे दीजा आज भैया सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आज जब हम गिफ्ट पैक के लिए सामान लेते थे, सामान लेते लेते हम एक शॉप पे पहुँचे तो वहाँ पर एक फैमिली आई, मिडिल क्लास फैमिली, और उन्होंने कुछ गिफ्ट वहाँ पे पसंद करे तो गिफ्ट का कुछ हिसाब ऐसे बैठ रहा था 1700-1800 रुपये का, उसमें उनके पास 150-200 रुपये कम थे। तो उन्होंने शॉपकीपर को बोला कि भाई सामान दे दो, हम दिवाली के बाद या दिवाली एक दो दिन बाद आकर के हम आपको पैसे दे देंगे। तो शॉपकीपर ने मना कर दिया कि नहीं अब उसने मना करा, वो लोग चले गए। मैं अपना सामान ले रहा था, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। उसके बाद एक फैमिली आई, रिच फैमिली काफ़ी, उन्होंने सामान लिया। अच्छा, उन्होंने 7-8 हज़ार अराउंड ऐसी सामान लिया होगा, तो उनके पास कैश 4-5 हज़ार रुपये पड़ा था। और उन्होंने शॉपकीपर को बोला कि जी पेटीएम आप लेते हैं, तो शॉपकीपर ने बोला नहीं जी मैं पेटीएम नहीं ले रहा, दिवाली की वजह से आप कैश दे दो, कन्फ्यूजन पैदा होती है बहुत। तो उन्होंने बोला जी हमारे पास कैश सिर्फ 5-6 हज़ार पड़ा है, तो बाकी हम बाद में भेज दें। तो शॉपकीपर ने बहुत पॉजिटिवली उनको बोला कि भाई अरे लाला जी क्या बात कर दी, पैसे आ जाएंगे, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आपके पैसे तो तुरंत आ जाएंगे, और टेंशन ना लो, आप ले जाओ, आपको और लेना है आप और सामान ले जाओ, आप भेज देना। तो मैंने नोटिस करा कि यार जो बहुत रिच है, जिसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शॉपकीपर ने उसको तो बिल्कुल बोल दिया कि भाई आप इसको आप ले जाओ और सामान ले जाओ। और जो एक हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली वाला, एक गरीब जो 200-300 रुपये कम थे, जिसको एक्चुअल में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हाँ वो सामान ले ले और 2-4-5 दिन बाद वो दे दे, उसको उन्होंने बिल्कुल क्लियरली शॉपकीपर ने मना कर दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत फील हुई कि हम लोगों की मानसिकता इतनी बुरी हो गई है धीरे धीरे कि जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है हम उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, कि और जिसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए हम हर तरह से खड़े हैं। तो ये चकाचौंध की दुनिया में आदमी मर रहा है, मुझे इतना अजीब लगा, बहुत अजीब लगा गाइस। ये मानसिकता हमें छोड़नी पड़ेगी, जिसे एक्चुअल में नीड है या जो आपको पता है ये नीडी है, उसको हम हेल्प करें, ना कि चकाचौंध की दुनिया में मर जाएं। जिसे एक्चुअल में नीड नहीं है उसके लिए हम कह रहे हैं और सामान ले लो, लाला जी आपके पैसे आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप, तो ये आप तो बहुत, ये गलत बात है, मुझे बड़ा फील हुआ। बट कोई नहीं, ये बदलाव मैं अपने अंदर लाऊँगा, तो हो सकता है आप सब भी धीरे धीरे अपने अंदर लाएँ। हर हर महादेव।